नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इतवारी के सराफा बाजार में एक्टिवा से नकदी गहने उड़ाए। इतवारी के सराफा बाजार में अपराधियों ने एक सराफा व्यापारी के एक्टिवा की डिक्की से नकदी सहित 6,26,000 रुपए के गहने उड़ा दिए। शनिवार की शाम हुई इस घटना से व्यापारियों में दहशत मची हुई है। इतवारी के सराफा बाजार में अपराधियों ने एक सराफा व्यापारी के एक्टिवा के डिब्बे से नकदी सहित 6,26,000 के गहने उड़ा लिए। शनिवार की शाम हुई इस घटना से व्यापारियों में दहशत मची हुई है। सराफा व्यापारी सागर येवले की दुकान है, उनकी बहन नागपुर रहती है। सागर गहनों की खरीदी तथा पॉलिसी के लिए शनिवार को नागपुर आए थे। वह कार से बहन के घर पहुंचे। कार घर में पार्क करके बहन की एक्टिवा से सराफा बाजार, उसके पास 2.5 लाख रुपए तथा 4.25 लाख रुपए के गहने थे। नकदी तथा गहने थैली में रखे थे। येवले 3-4 दुकान में अपने काम निपटा कर शाम 6:45 पर तांगा स्टैंड चौकी पहुँचे। वहाँ एक्टिवा पार्क कर सिगरेट पीने लगे। इसी दौरान डिक्की तोड़कर नकदी तथा गहनों की थैली उड़ा ली गई। कुछ देर बाद एक्टिवा के पास पहुंचने पर उनको घटना का पता चला। उन्होंने तहसील पुलिस को सूचना दी। परिसर के सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। दो बाइक पर सवार 4 युवक वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उनकी खोज कर रही है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।